बहुत सारे लोग जेई मेंस में 4 अटेम्प्ट होंगे इस चीज़ का आशा लगाए हुए हैं, लेकिन अब आप इस बात को भूल जाइए क्योंकि जेई में अब 4 अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अब जेई में 4 अटेम्प्ट क्यों नहीं होंगे, तथा साथ साथ ये भी बताऊँगा कि जो भी अटेम्प्ट होंगे, जितने भी अटेम्प्ट होंगे, वो कब कब होंगे, उसके एक्सपेक्टेड डेट भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब जेई में 4 अटेम्प्ट क्यों नहीं होंगे, तो इसका आंसर ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करना, ठीक है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि जेई एडवांस का एग्जाम जून में होगा, ये फिक्स है अभी तक के हिसाब से। तो अब मेरे पास बचे हैं मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो अब आगे सुनो, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, ये भी लगभग लगभग फिक्स है। फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाने के बाद 26 अप्रैल से CBSE के टर्म 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और ये एग्ज़ाम मई 15 से 20 मई तक चलेंगे। इसमें 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल फिक्स है कि CBSE के टर्म 2 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मैक्सिमम जेई मेंस के एक अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक। तो अब 20 मई के बाद हमारे पास लगभग 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, इसमें मैक्सिमम एक ही अटेम्प्ट हो पाएगा। तो इसके हिसाब से टोटल अब जेई मेंस में 2 ही अटेम्प्ट होंगे, इस बात का चांस 90% से ज़्यादा है। जेई ने बहुत ज़्यादा उलट फेर किया हर चीज़ को, तो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट, तो 4 अटेम्प्ट तो अब भूल ही जाइए, 4 अटेम्प्ट नहीं होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 2 अटेम्प्ट होगा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 3 अटेम्प्ट होगा। 4 अटेम्प्ट पिछले साल वो दूसरे वजह से दिया गया था, चलिए उस बात में नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।